हाय फ्रेंड, वेलकम टू गिजी स्कूल। आज हम वेरी इंपॉर्टेंट मैथ क्वेश्चन के सेशन को आगे बढ़ाएंगे। ये हमारी 13th वीडियो है। इसके पहले मैं 12 वीडियो डाल चुका हूँ। अगर आपने उन्हें नहीं देखा तो आई रिकमेंड कि आप उन्हें देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है और इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि प्लीज पूरी वीडियो देखिएगा आखिरी तक, क्योंकि मैं हर चीज़ अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। हाँ, मेरी वीडियो कई बार होता है बड़ी बन जाती है, तो उसका रीज़न यही है कि मैं चीज़ें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि आपको हर चीज़ समझ में आए। अब हमें कहा है प्रूफ दैट फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजियर एन, एन क्यूब माइनस एन इज डिविजिबल बाई सिक्स। ठीक है, हमें कहा है एक इंटीजियर है एन। ठीक है, अब इस इंटीजियर के लिए हमें एक कंडीशन दी गई है कि हमें ये प्रूफ करना है कि एन क्यूब माइनस एन इज डिविजिबल बाई सिक्स। ठीक है, अगर मैं एन क्यूब माइनस एन को लिखना चाहता हूँ, ठीक है, एन क्यूब माइनस एन को अगर मैं लिखना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, एन कॉमन लिख सकता हूँ, अंदर क्या बचेगा एन स्क्वायर माइनस वन। अब एन यहाँ पे कॉमन आया। अब देखिए वन को मैं क्या लिख सकता हूँ, वन का स्क्वायर लिख सकता हूँ, तब भी वन ही आएगा, है ना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी और ए सॉरी ए प्लस बी, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास तीन नंबर आ गए यहाँ पे, इसका देख सकते हैं यहाँ पे, है ना। अब अगर आप थोड़ा ध्यान के देखें तो मैं इसमें एक तरीके से और लिख सकता हूँ कि एन माइनस वन इंटू एन एंड एन प्लस वन, है ना, लिख सकता हूँ मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर अगर आप देखें तो ये तीन कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर बन जाते हैं, पॉजिटिव इंटीजर बन जाते हैं। अब मैंने ऐसा क्यों कहा, देखिए पहली बात, हमारा जो एन है वो पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, तो नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता, सिंपल की बात है ये। तो ये तीनों तो पॉजिटिव हो गए इससे अगर देखें तो। हम अब अगर मैं आप कहूँ फाइव, है ना, तो फाइव के पहले अगर मैं एन माइनस वन करता हूँ, मैं एन को फाइव रखता हूँ, तो एन माइनस वन क्या होता है, फोर होता है, और एन प्लस वन क्या होता है, सिक्स होता है। और फोर फाइव और सिक्स ये तीनों क्या है, कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। हम यहाँ पे अभी पॉजिटिव की बात कर रहे हैं, नेगेटिव को अभी दिमाग में छोड़ दीजिए, ठीक है, नेगेटिव जो पार्ट है उसको भी छोड़ दीजिए, अभी हम पॉजिटिव के बारे में बात कर रहे हैं। तो फोर फाइव और सिक्स ये क्या हुए, हमारे तीन कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। क्वेश्चन एक्चुअली हमें ये कहना चाहता है कि हमें इन 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 तीनों का इन तीनों को बेसिक बनाकर ये प्रूफ करना है कि अगर मैं कोई भी इंटीजर वैल्यू रखता हूँ तो वो हमेशा डिविजिबल बाय सिक्स होगा। ठीक है, अब देखिए हमें क्या कहा है कि हमारा जो एन है, मतलब जो नंबर है वो क्या है, सिक्स है, है ना, सॉरी नंबर सिक्स नहीं है, एक्चुअली नंबर सिक्स नहीं है, नंबर के हमें डिविजिबल बाय सिक्स दिखाना है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, हमें जब भी ऐसे लिखा होता है डिविजिबल बाय सिक्स, कुछ भी ऐसा लिखा, डिविजिबल बाय थ्री सिक्स कुछ भी, तो आप सबसे पहले काम करिए बी इक्वल वो नंबर लिख दीजिए। यहाँ पे डिविजिबल बाय सिक्स लिखा है तो हम बी इक्वल सिक्स कर देंगे। ठीक है, अब अगर आपको पता हो तो यहाँ पे हमें आर की कंडीशन होती है कि आर विल बी ऑलवेज स्मॉलर देन बी एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। इसका मतलब क्या है कि आर सिक्स से छोटा होगा और जीरो के बराबर या उससे बड़ा होगा, तो आर की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे, क्या क्या आ सकती है जो पॉसिबल आउटकम है वो क्या है, जीरो वन टू थ्री फोर एंड फाइव। ठीक है, इतना है। अब क्या करेंगे, हम हर बार एक वैल्यू रखते जाएंगे। ओके, ए इक्वल बी क्यूब प्लस आर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आर की वैल्यू हर बार हर केस में चेंज होगी। ठीक है, मैं आपको इसमें हमारे छः केस कहेंगे और छः के छः केस बताऊंगा आपको मैं। ओके, तो चलते हैं अगले पेज पे। अब यहाँ देखेंगे केस वन। ठीक है, व्हेन आर इज इक्वल टू जीरो, तो हमारा ए क्या होगा, सिक्स क्यू प्लस जीरो इक्वल क्या आ गया, सिक्स क्यू। ए एक्चुअली यहाँ पे हमारा क्या है, एन, तो एन क्या आ गया, आपका सिक्स क्यू आ गया। अब क्या करना है आपको, अब ये जो मेथड था इसको इसको हम लिखेंगे आगे। ठीक है,
क्या था ये, एन क्यूब माइनस एन इक्वल क्या आएगा यहाँ पे हमारे, देखो यहाँ पे एन क्यूब माइनस एन, क्योंकि ये तीन पॉजिटिव इंटीजर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, इनको कर रहा है ना रिप्रेजेंट, तो मैं ये भी लिख सकता हूँ या मैं वो भी लिख सकता हूँ, लेकिन ये हम यही लिख देते हैं, एन माइनस वन एन एन प्लस वन, ठीक है। और आप क्या करेंगे यहाँ पे, जहाँ यहाँ पे एन लिखा है वहाँ पे सिक्स क्यू डाल देंगे, सिक्स क्यू माइनस वन इंटू सिक्स क्यू और सिक्स क्यू प्लस वन, ठीक है। इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं, सिक्स क्यू माइनस वन सिक्स क्यू प्लस वन। अब देखिए सिक्स यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई हो रहा है इन इन सब से, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये क्या है, डिविजिबल बाय सिक्स है, ठीक है, डिविजिबल बाय सिक्स है। ओके अब अगले पे चलते हैं, केस टू पे चलते हैं, ठीक है। वेन आर इज इक्वल टू जीरो, जब आर सॉरी आर इक्वल वन है, जीरो तो हमने कर दिया, अब क्या होगा, ए इक्वल क्या होगा, सिक्स क्यू प्लस वन होगा, ठीक है। अब एन माइनस वन एन एन प्लस वन वो भी इक्वल टू सिक्स क्यू प्लस वन माइनस वन, सिक्स क्यू जहाँ यहाँ पे एन लिखा है ना वहाँ वहाँ पे आपको सिक्स क्यू प्लस वन डाल देना है इस बार, ठीक है, जहाँ यहाँ पे एन लिखा है जहाँ यहाँ पे, तो ऐसे लिखा हमने, यहाँ पे हमारा सिक्स क्यू प्लस वन आ गया और यहाँ पे भी सिक्स क्यू प्लस वन आ गया, है ना। अब देखिए प्लस वन माइनस वन कैंसिल हो गया, क्या बचा सिक्स क्यू, यहाँ क्या है सिक्स क्यू प्लस वन एंड सिक्स क्यू प्लस वन, ठीक है। तो क्या आ गया हमारा ये, इसके हम क्या लिख सकते हैं कि डिविजिबल बाय सिक्स, ठीक है। तो ये हो गया, इसके बाद हम केस थ्री पे चलेंगे, वेन आर इज इक्वल टू, तो हमारा एन क्या आएगा सिक्स क्यू प्लस टू है ना, यही आएगा ना, इस हिसाब से क्या होगा एन माइनस वन एन एन प्लस वन, अब जहाँ यहाँ पे एन लिखा है वहाँ वहाँ पे आप सिक्स क्यू प्लस टू लिख दो, सीधा सीधा कुछ नहीं करना, सिक्स क्यू प्लस टू माइनस वन, ठीक है, यहाँ पे सिक्स क्यू प्लस टू आ गया, ठीक है, और यहाँ पे क्या आ गया सिक्स क्यू प्लस टू प्लस वन आ गया। अब देखिए टू माइनस वन क्या आएगा यहाँ पे, सिक्स क्यू प्लस वन, प्लस है ना यार, अब टू बड़ा है, सिक्स क्यू प्लस टू में से मैं क्या कॉमन लिख सकता हूँ, टू कॉमन लिख सकता हूँ, क्या बचेगा अंदर थ्री क्यू प्लस वन, यहाँ पे सिक्स क्यू प्लस थ्री हो गया, ठीक है, यहाँ पे फिर क्या आएगा सिक्स क्यू प्लस वन इंटू टू को ऐसे रहने दीजिए थ्री क्यू प्लस वन, ओके, और यहाँ पे मैं क्या कॉमन लिख सकता हूँ थ्री टू क्यू प्लस वन आ गया कुछ नहीं करना, अब आ गया, अब क्या करना है इस टू को और इस थ्री को अगर मैं मल्टीप्लाई करना चाहूँ कर सकता हूँ कि ये दोनों कॉमन है, तो क्या आएगा बाहर सिक्स आ जाएगा, और अंदर क्या आ गया सिक्स क्यू प्लस वन इंटू थ्री क्यू प्लस वन इंटू टू क्यू प्लस वन, इसका मतलब क्या हुआ कि ये डिविजिबल बाय क्या है सिक्स है, ओके। अब देखिए यहाँ पे हमने तीन केसेस को कर दिया है, अब आपको मैं एक चीज़ बता दूँ, यहाँ पे हमने जैसे कि हमें प्रूफ करना था कि एन क्यूब माइनस एन एक्स डिविजिबल बाय सिक्स है ना, तो यहाँ पे हम हर बार वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं आर की, इसका मतलब क्या है कि हम कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स के यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हर बार आर की वैल्यू बढ़ रही है। अब केस फोर की बात कर लेते हैं, ठीक है, केस फोर में क्या है, वन आर इक्वल थ्री, थ्री में हो गया, अब एन क्या होगा आपका सिक्स क्यू प्लस थ्री है ना, अब एन माइनस वन एन एन प्लस वन, सिक्स क्यू प्लस थ्री माइनस वन, सिक्स क्यू प्लस थ्री, सिक्स क्यू प्लस थ्री प्लस वन, सिक्स क्यू प्लस टू, ठीक है, सिक्स क्यू प्लस थ्री, सिक्स क्यू प्लस फोर, हमें कुछ भी करके बाहर सिक्स आना है, ठीक है, यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ टू कॉमन ले सकता हूँ, कॉमन ले लिया, बस मुझे बाहर चाहिए सिक्स, और कुछ मतलब नहीं मुझे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मैंने थ्री कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा टू क्यू प्लस वन, और अगर उसको ऐसे नहीं देते कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, और यहाँ पे क्या लिख दूंगा टू इंटू थ्री सिक्स हो गया, और यहाँ पे थ्री क्यू प्लस वन इंटू टू क्यू प्लस वन इंटू सिक्स क्यू प्लस फोर। अब आप कहेंगे कि यहाँ पे तो हम सिक्स के भी कॉमन ले सकते थे, हाँ ले सकते थे, बट हमें चाहिए सिक्स बार,
हमें क्या चाहिए, जिससे हम ये प्रूफ कर सकते हैं कि डिविजिबल बाय सिक्स है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं डिविजिबल बाय सिक्स हो गया ये। ठीक है, ओके, अब हम की फोर की बात कर लेते हैं और ये फाइव की बात कर लेते हैं, के फाइव की बात कर लेते हैं। जब हमारा वेन आर इज इक्वल टू फोर, ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे, एन इक्वल क्या आएगा, सिक्स क्यूब प्लस फोर, एन माइनस वन एन इंटू एन प्लस वन इक्वल क्या होगा, सिक्स क्यूब प्लस फोर माइनस वन, सिक्स क्यूब प्लस फोर, देन सॉरी फॉर दैट, सिक्स क्यूब प्लस फोर प्लस वन, ठीक है, प्लस फोर माइनस वन क्या आएगा, सिक्स क्यूब प्लस थ्री। यहाँ पे सिक्स क्यूब प्लस फोर एक्स, फिर सिक्स क्यूब प्लस फाइव। ठीक है, अब क्या होगा, क्योंकि हमने क्या किया यहाँ पे, सिक्स क्यूब प्लस थ्री है ना, तो मैं थ्री को मैं लिख सकता हूँ, क्या बचेगा अंदर, टू क्यूब प्लस वन, और यहाँ पे सिक्स क्यूब प्लस फोर में मैं कॉमन लिख सकता हूँ टू, क्या बचेगा अंदर, थ्री क्यूब प्लस टू बचेगा अंदर, और सिक्स क्यूब प्लस फाइव एक्स एक एक रहेगा, थ्री इंटू टू करूँगा मैं। ठीक है, यहाँ पे तो थ्री इंटू टू कितना होता है, सिक्स होता है, और यहाँ पे सॉरी फॉर दैट सिक्स हो जाएगा, और यहाँ पे टू क्यू प्लस वन, थ्री क्यू प्लस टू, और ये सिक्स क्यू प्लस फाइव इंटू। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये क्या है, डिविजिबल बाय बाय सिक्स है। ठीक है, अब हम आखिरी केस के बारे में बात करेंगे, विच इज केस सिक्स। ओके, ये आखिरी केस है हमारा। अब इसमें क्या होगा, वेन आर इज इक्वल टू फाइव। ओके, अब यहाँ पे एन क्या होगा हमारा, सिक्स क्यूब प्लस फाइव, एन माइनस वन इंटू एन प्लस वन इक्वल क्या आएगा आपके, सिक्स क्यूब प्लस फाइव माइनस वन इंटू सिक्स क्यूब प्लस फाइव इंटू सिक्स क्यूब प्लस फाइव प्लस वन। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए सिक्स क्यूब प्लस फाइव माइनस वन लिखा है, तो हम क्या लिखते हैं, सिक्स क्यूब प्लस फोर, यहाँ पे सिक्स क्यूब प्लस फाइव एक्स एक्स, और यहाँ पे सिक्स क्यूब प्लस सिक्स हो जाएगा, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे क्यू प्लस फाइव प्लस वन लिखा था। ओके, यहाँ पे अब हम क्या कॉमन लिख सकते हैं, टू कॉमन लिख सकते हैं, तो थ्री क्यू प्लस टू बचेगा अंदर, यहाँ पे सिक्स क्यू प्लस फाइव में कुछ कॉमन नहीं आएगा, और यहाँ पे हम थ्री कॉमन लिख सकते तो अंदर टू क्यू प्लस थ्री कॉमन नहीं आएगा। यहाँ हाँ, हमें हमें क्या करना है, हमें सिक्स लाना है बाहर, तो हमें कुछ भी करके करके कॉमन लेना है ऐसा कि सिक्स बाहर आ गया, क्या बचे अंदर, थ्री क्यू प्लस टू, सिक्स क्यू प्लस फाइव एंड टू क्यू प्लस टू। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ये डिविजिबल बाई क्या है, सिक्स है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में इतना ही करना था, आपने दिए देयरफोर, ये जितने भी देयरफोर, यहाँ पे क्या होगा हमारा, एन क्यूब माइनस एन इज डिविजिबल बाई बाय सिक्स। ठीक है, क्योंकि हमने हर केस में ये प्रूफ कर दिया कि जो एन क्यूब माइनस एन है वो डिविजिबल बाय सिक्स है। तो इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा।